एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, यूपीपी की जो वैकेंसीज है वो लगभग अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में आ जाएंगी। टोटल 26,000 तक लगभग वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जितने भी कैंडिडेट्स यूपीपी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। हमारे इस चैनल पर डेली यूपीपी की वीडियोज आती रहेंगी। जैसे कि मैंने पिछले वीडियोज में हिंदी की क्लास में आप सभी को 26 अक्टूबर 2018 के हिंदी में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस किया था। आज की इस क्लास में हम मैथ के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये 26 अक्टूबर 2018 के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग देखिएगा। और जितने भी लोग अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और हमारे जितने भी वीडियोज यूपीपी के एग्ज़ाम तक आने वाली हैं सब देखिएगा। मैं उम्मीद नहीं, आशा दिलाता हूँ आप सभी को कि आप लोग सिलेक्शन ज़रूर पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका पहला क्वेश्चन जो है वो बॉर्ड मास से है। क्वेश्चन है 48/35 माइनस कर्ली ब्रैकेट में 30 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 31 माइनस 26/2 मल्टीप्लाई 4 और सभी ब्रैकेट क्लोज्ड। अभी हम सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 आया। और इस 26 का इस 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 52। और यहाँ पे देखिएगा माइनस चिन्ह है तो -52। अभी आपका आ गया यहाँ पे 31 माइनस 52। अभी इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, -26। कैसे, जब भी प्लस माइनस का चिन्ह आपके सामने हो और उसको जोड़ना या घटाना हो तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगा के आपको घटा देना है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 52 है, 52 का चिन्ह माइनस है, 52 में से 31 घटाओगे तो 21 आएगा। अभी देखो यहाँ पे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कितना आया, -21। अब छोटे ब्रैकेट के जस्ट सामने माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +21। 30 + 21 यहाँ पे क्या आएगा, 30 + 21। 30 + 21 जब आप ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स आपके सामने, 51। क्या आएगा, 51। अभी हम मझले ब्रैकेट यानी कि कर्ली ब्रैकेट तक सॉल्व कर चुके हैं और हमें मिला 51। इसके आगे माइनस है और यहाँ पे है 35। ये ब्रैकेट बड़े ब्रैकेट में है, क्लोज्ड हो गया। अभी इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से फिर से देखिएगा 51 बड़ी संख्या है, इसके सामने माइनस है तो माइनस के चिन्ह लगा के घटा देंगे। 11 में से 5 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, कितना आया, -16। अभी देखिएगा ध्यान से यहाँ पे 48 भागे -16 है। इसको सॉल्व करोगे तो फ्रेंड्स भाग में जब भी माइनस होता है तो माइनस आ जाएगा, 16 + 3 = 48 -3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन है कि दिए गए समीकरण को हल कीजिए, इसको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले हम लास्ट की संख्या देखेंगे। लास्ट की संख्या यानी कि फोर्थ डिजिट का संख्या है कितना, 3। तो आपको वो ऑप्शन चेक करना है जिसका लास्ट डिजिट जो है वो 3 हो। तो यहाँ पे सभी जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनका लास्ट डिजिट 3 है। अभी इसके आगे हम देखते हैं सेकंड, लास्ट का सेकंड डिजिट यहाँ पे 4 होगा। देखिएगा दशमलव के 3 अंक बाद चेक करते हैं, तो यहाँ पे 4 है, दशमलव के 3 अंक बाद यहाँ पे 3 है, 4 और 3 कितना आएगा, 7। तो लास्ट में आपका 7 3 होना चाहिए, तो 7 3 इसमें है नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है। तो आप देखेंगे ऑप्शन डी में लास्ट का 2 डिजिट जो है वो 73 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो भी सॉल्व कर सकते हैं। आंसर कितना आएगा, 158.8873। मैंने लास्ट के 2 डिजिट ही चेक किया और मेरा आंसर आ गया। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व करके आप सबको दिखा देता हूँ कैसे सॉल्व करना है। आप सभी को पता होगा कि दशमलव को जो है दशमलव के नीचे ही रखते हैं, जैसे 143.00 कितना भी जीरो करो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद है 14.3, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आपको लिखना होगा।
इसके बाद है 1.43, तो यहाँ पे 1.43 आपको एक ही बात ध्यान रखना है कि जो पॉइंट है वो आपका पॉइंट के नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 0.01431 का मतलब आप लोग जानते ही होंगे 143 क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 143 का मतलब आज के ज़माने में क्या होता है। बाकी सब आप यहाँ पे जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 7 होगा, 4 3 7 1 8 यहाँ पे होगा, 4 1 5 3 8 यहाँ पे होगा, उसके बाद पॉइंट, तो आप देख रहे हैं यही आया 158.8873। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 1.143 का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 7 अपॉन 16 और 7 अपॉन 48 इसका योग क्या होगा, तो इसका एलसीएम होगा फ्रेंड्स 48। अभी 16 3 48 7 3 21 प्लस 48 7 1 21 और 7 कितना आएगा 28, 28/48। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 2 से क्यों 4 से डिवाइड करोगे, 4 7 28 और 4 12 4 48 7/12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे होंगे। अगर क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्लास को शेयर कीजिएगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिएगा, जिससे कि और लोग इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15, 25 और 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। आपको इनमें से ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है 15 से डिवाइड है, 25 से डिवाइड है और 35 से डिवाइड है। हम बात करें 15 का, 25 का और 35 का, तो आप देखोगे 35 में क्या क्या है, 7 है, 5 है। 25 में क्या है फ्रेंड्स, आपका 5 है। और 15 में क्या है, 3 है और 5 है। सबसे पहले आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो 3 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड हो और 7 से डिवाइड हो। तो सबसे पहले हम 3 का चेक करते हैं, तो क्या ऑप्शन नंबर 1 3 से डिवाइड है, तो बोलोगे कि हाँ है। कैसे, 7 5 12 12 9 21 21 9 30 ये 3 से डिवाइड है। नेक्स्ट 5 2 7 9 7 16 16 9 25 ये नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, तो ऑप्शन बी ख़त्म। नेक्स्ट देखते हैं 9 8 17 17 7 24 24 5 29 क्या ये 3 से डिवाइड है, नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 5 2 7 7 8 15 15 9 15 9 24 ये आपका 3 से डिवाइड है। ए ऑप्शन डिवाइड है और ए ऑप्शन डिवाइड है, दो ऑप्शन आपके 3 से डिवाइड हैं, बाकी दो ऑप्शन जो है आपके 3 से डिवाइड नहीं है। तो अभी आपका जो आंसर होगा वो या तो ए होगा या फिर ऑप्शन डी होगा। अभी 5 से देखोगे तो 5 से सभी ऑप्शन डिवाइड हैं। अब हम सीधे 7 से चेक करते हैं, 7 से कौन सा ऑप्शन डिवाइड है कौन सा नहीं है, जो ऑप्शन डिवाइड होगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहले ए चेक करते हैं, 7 1 7 2 7 4 28 1 7 2 14 3 7 5 35 आपका ए ऑप्शन जो है वो 7 से तो डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, तो ए आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे सर डी ऑप्शन हो सकता है 7 से डिवाइड हो, तो चेक करते हैं 7 1 7 7 4 28 उसके बाद बचा 24 7 3 21 तो ये आपका 7 से डिवाइड नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो ए होगा। आपको भाग करके देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ये जो संख्याएँ दी हैं इनको आप इस तरह से उनके गुणनखंड में तोड़ लोगे, जैसे 15 को 3 × 5 लिखते हो, 25 का 5 × 5 लिखते हो, 35 को 7 × 5 लिखते हो, तो आप ऑप्शन चेक करो जो 3 से डिवाइड हो, 5 से डिवाइड हो और 7 से डिवाइड हो। तो सबसे पहले हम 3 से चेक किया तो 3 से ऑप्शन बी और सी डिवाइड नहीं हुआ, जबकि ऑप्शन ए और डी डिवाइड हुआ। अभी दो ऑप्शन आपके सामने हो गया, अगर आप 3 से चेक करते केवल एक ऑप्शन आपका डिवाइड होता तो वही आपका राइट आंसर हो जाता, 7 से चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ पे दो ऑप्शन में आपको कन्फ्यूजन होगा क्योंकि 3 से दोनों ऑप्शन डिवाइड है, तो इसलिए हम 7 से चेक कर लेते हैं। तो जब 7 से चेक किया तो मैंने देखा कि ऑप्शन ए डिवाइड है 7 से, जबकि ऑप्शन डी नहीं डिवाइड है, तो हम सीधा से बोल सकते हैं ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 175 275 375 का मासा ज्ञात कीजिए, मासा कितना होगा। तो हम भागविद द्वारा इसको सॉल्व कर लेते हैं, 150 225 और 375 का मासा, 150 एक कम 150 यहाँ पे क्या आया 5
75 आया, अभी 150 यहाँ आ जाएगा, ए आपका 150 जो है अब यहाँ पे आ जाएगा, इसमें भाग देंगे 75 दूना 150 हो गया। अब यहाँ पे फ्रेंड्स जो है 75 है, इसी 75 से 375 में भाग देंगे तो 75 दूना 150, 75 चौका 300, 75 पंचे 375, तो ये 75 से कट गया 375। तो फ्रेंड्स ये जो आपका 75 हुआ ये आपका मासा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या जो है वो 24 से पूरी तरह विभाजित करने योग्य है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 24 का मतलब क्या होगा, 8 × 3 8 × 3 = 24। तो अभी आपको वो ऑप्शन खोजना है जो 8 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो। तो अभी हम 3 से चेक करते हैं या फिर 8 से चेक करते हैं। सबसे पहले हम 8 से चेक कर लेते हैं। 8 का डिविजिबल का रूप जो रूल है वो क्या बोलता है कि किसी भी संख्या का लास्ट का दो डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या जो है वो 8 से डिविजिबल होगी। ये जो है 8 का विभाज्यता का नियम कहता है, क्या कहता है, कहता है कि अगर किसी भी संख्या के लास्ट के दो डिजिट 8 से डिविजिबल हैं तो पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी का जो लास्ट दो डिजिट है वो है 56, 56 जो है 8 से डिविजिबल है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप देख रहे हैं मैं सिर्फ क्वेश्चन के ऑप्शन से देख के आपको बता रहा हूँ कि ये इसका राइट आंसर होगा, मैं सॉल्व बिल्कुल भी नहीं किया। बाकी के जितने भी ऑप्शन हैं वो 8 से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हुआ फ्रेंड्स वो हुआ ऑप्शन नंबर बी। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि यदि संख्या 164 को 29:2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो छोटे भाग का मान कितना होगा, छोटे भाग का मान कितना होगा। छोटा भाग क्या है फ्रेंड्स यहाँ पे 9। अगर 32 और 9 देखें तो 32 और 9 का जो जोड़ होगा वो कितना होगा 41, और इसी 41 का मान कितना दिया है 164। अगर हम बोलें कि एक का मान क्या होगा तो फ्रेंड्स एक का मान क्या होगा 4 होगा ना, 41 चौका 164, एक का मान आपका 4 हुआ। ध्यान दीजिएगा अगर 41 का मान 164 है तो एक का मान 4 होगा। अब यहाँ पे 9 का मान पूछा है तो 9 का मान 9 × 4 9 चौक 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सभी को ये क्लास जो है वो पसंद आ रही होगी। अगर क्लास पसंद आई रही तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट कीजिएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है, किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम 600 में से 522 अंकों की आवश्यकता होती है, प्रतिशत में कट ऑफ क्या होगा। आपको कट ऑफ बताना है। तो फ्रेंड्स प्रतिशत जो निकालते हैं हम वो किस तरह से निकालते हैं, प्राप्तांक बटा पूर्णांक, प्राप्तांक बटा पूर्णांक मल्टीप्लाई 100, ऐसा करोगे तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा कितने परसेंटेज मार्क्स आप प्राप्त किए हो। तो यहाँ पे जो प्राप्तांक है वो 522 है और जो पूर्णांक है वो आपका 600 है, मल्टीप्लाई 100 करोगे तो यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से इसमें भाग दोगे 6 × 8 = 48, 4 आएगा 6 × 7 = 42, 87% इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्ष में इतने रुपए का ब्याज कितना होगा। आपको बताना है 1980 रुपये का 8% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्ष में कितना ब्याज होगा। तो 8% वार्षिक 5 वर्ष 8×5 = 40, 40% 1980 का 40% आपको निकालना है तो कितना आएगा, 1 × 40/100, यहाँ पे 2 0 से 2 0 ख़त्म कर दोगे, 198 × 4 तो मल्टीप्लाई करोगे 4 × 8 = 72, यानी 2 यूनिट डिजिट आपका 2 होगा। कौन से ऑप्शन में यूनिट डिजिट 2 है, तो फ्रेंड्स आप बोलोगे ऑप्शन नंबर डी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूरा मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक, आप बोलोगे सर ये 40% कैसे आ गया, आपको पता है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय, गुणे दर गुणे समय, तो इस दर का इस समय में मल्टीप्लाई कर दिया 8×5 = 40%, मैंने सीधा सीधा लिख दिया डायरेक्ट,
और 1980 को आपका 40% निकालना है। 1980 का 40% आप निकालोगे तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 198, तो 4 8 32, लास्ट में 2 आएगा। यूनिट डिजिट जो है वो आपका 2 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में ही यूनिट डिजिट जो है वो 2 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आपको पूरा सॉल्व करने का, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 15% के लाभ, ध्यान दीजिएगा, 15% के लाभ और 9% के हानि के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 768। कितना है फ्रेंड? 768। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उस वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा? लागत मूल्य यानी 100% आपको बताना है, लागत मूल्य यानी 100%। अब ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे 15% प्रॉफिट है, 9% लॉस है और इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 768 रुपये के बराबर है। तो अगर हम बात करें फ्रेंड्स, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो डिफरेंस है कितना है, तो आप बोलोगे 15 ज़्यादा है और 9 कम है, यानी कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल बोले तो 15 × 9 = 24, कितना होगा? 24। इस 24% का जो मान है फ्रेंड्स वो कितना है? 768। 24% का जो मान है वो 768 है, तो आपको बताना है 100% का मान कितना होगा। तो अभी अगर यहाँ से हम बोलें एक का, तो 24 × 3 = 72, 24 × 2 = 48, एक का मान 32 आया, 100 का मान क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 3200। 3200 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि उस वस्तु का जो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य है वो कितना है? 3200 रुपये। इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है, एक खिलौने का अंकित मूल्य कितना है? 1800 रुपये है। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार 2 छूटें दी गई, खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो फ्रेंड्स 1800 पे आपको 20% का छूट दिया गया, 20% का छूट दिया गया, 20% कितना होगा 1800 का? 18 × 36, 360। कितना होगा? 360। 360 करोगे इसमें से माइनस, तो आपको कितना मिलेगा? 1800 में से 300 घटाओगे तो 1500, 1500 में से 60 घटाओगे तो 1440। कितना मिलेगा? 1440। अभी फिर से आपको एक और छूट दिया गया, कितने का? 15% का। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20, तो 1440 का 3/20 करोगे तो कितना आएगा? 72 × 3 = 6 = 321, 3 × 6 = 321, 216। 1440 में से 216 आप माइनस करोगे तो फ्रेंड्स आपको मिलेगा 1224। कितना मिल जाएगा? 1224। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 1224 ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप बैक करके फिर से देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा, क्योंकि मैं जितना इजली हो सकता है उतना इजली आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन है कि तोरसा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद त्रिसा ने 2880 का निवेश कर दिया। ये 12 महीनों के अंत में जो लाभ है को तिरसा और त्रिसा के बीच 25:24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो त्रिसा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका पार्टनरशिप से क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स अभी हम मान लेते हैं जो है जो त्रिसा है वो यक्ष महीने के लिए उस व्यवसाय में निवेश किया, तो 2250 जो तोरसा है वो 12 महीने के लिए निवेश किया, इसका मतलब 2250 मल्टीप्लाई 12 महीने के लिए इसका हो गया अनुपात है 2880। जो त्रिसा है वो कितने महीने के लिए निवेश करेगा? तो फ्रेंड्स 2880 × 12 − x, यानी कि मतलब वो यक्ष महीने बाद जो है वो निवेश किया, तो 12 − x हो गया। इनका जो अनुपात है वो है 25:24। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा 25:24। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से इसको अगर हम काटते हैं 25 × 25, 25 × 225, यहाँ पे आपको मिलेगा कितना? 90। यहाँ से अगर हम 24 से काटते हैं 24 × 24, 24 × 24, 24 × 48, कितना मिलेगा यहाँ फ्रेंड्स? 120 मिलेगा। अभी इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 × 9 = 108, यहाँ पे 1080 हो जाएगा,
अनुपातें यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 12 ब्राह्म में 144 यानी 1440 माइनस 120x इक्वल टू 1:1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, 1080 बराबर हो जाएगा 1440 माइनस 120x। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर हम x का मान निकालेंगे तो 1440 में से 1080 अगर आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा 360, और यहाँ पे माइनस 120 जो है उसका डिवाइड कर दोगे 360 बटे 120, 120 से 360 में भाग दोगे तो कितना आएगा 3। क्या आ गया x का मान 3 आ गया। तो यहाँ पे जब आप x का मान रखोगे तो क्या आएगा 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। ये जो 9 है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, जो कि है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो तिरसा है वो 9 महीने के लिए व्यवसाय में अपना जो धन है वो निवेश किया था। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये जो क्वेश्चन है समझ में आया होगा, अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार बैक करके इसको देखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सुबह वैद्य ही अपने घर से कार्यालय साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गई, लेकिन बहुत अधिक यातायात के कारण वापसी में उसकी गति जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा रही। तो दोनों तरफ यात्रा के लिए औसत गति कितनी थी? तो औसत गति यहाँ पे a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगी। तो 15 × 10 बटे 2, तो 25 का हाफ क्या आएगा फ्रेंड्स, 12.25 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका है, एक्स रेशियो 9 5 रेशियो वाई। इसमें आपको एक्स वाई यानी एक्स वाई का मल्टीप्लाई ज्ञात करना है। आप सभी को पता होगा कि फ्रेंड्स जब इस तरह से होता है तो इसमें बाहरी पदों का मल्टीप्लाई इक्वल टू जो होता है वो अंतः पदों के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। तो बाहर का पद जो है वो एक्स वाई है, एक्स इंटू वाई बराबर हो जाएगा क्या 9 × 5। एक्स वाई बराबर कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 9×5 = 45। 45 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 800 को 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है, तो 2 वर्ष में अर्जित ब्याज की राशि कितनी होगी? यहाँ पे देखिएगा 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। अभी देखिएगा 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका 1/10। क्या होता है 1/10, इसका मतलब 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा 11। कितने साल तक है, 2 साल तक, तो 2 साल के लिए हम 10 से 11 कर दिए। अभी यहाँ पे 10 × 100 ग्यारह ग्रहमा 121। अभी यहाँ पे अगर देखें तो ये जो है आपका ब्याज हुआ कितना 21 जो है वो आपका ब्याज हुआ, ये 100 जो है वो आपका मूलधन हुआ यानी कि पी हुआ, और ये 121 जो है वो आपका मिश्रधन हुआ यानी कि ए हुआ। अब यहाँ पे 800 पी दिया हुआ है, मूलधन आपका कितना दिया हुआ है 800, इसका मतलब इस 100 का मान कितना है 800 के बराबर। 100 का मान कितना है 800 के बराबर, 1 का मान फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा 8। आपसे क्या पूछ रहा है, ब्याज यानी कि 21, इस 21 का मान आपसे पूछ रहा है। 1 का मान अगर 8 है तो 21 का मान क्या होगा 168। ध्यान दीजिएगा, अगर 1 का मान 8 है तो 21 का मान क्या होगा 168। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी। फिर से देखिएगा एक बार, मैं आपको इसको एक बार फिर से दिखा देता हूँ। यही क्वेश्चन था, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस 10% को फ्रैक्शन में चेंज कर लिया 1/10। यहाँ पे 2 वर्ष के लिए बोल रहा है तो हम 2 वर्ष के लिए इसको 10 से 11 लिख लेते हैं। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करते हैं 10 × 100 ग्यारह ग्राम में 121। अभी ये जो 100 आपका, ये आपका प्रिंसिपल है, और 121 जो है आपका मिश्रधन है, और यहाँ पे जो इसका डिफरेंस है फ्रेंड्स वो आपका 21 है, ये आपका ब्याज हुआ।
यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 800, यानी कि 100 का मान 800 है तो आपको 21 का मान ज्ञात करना है। 100 का मान 800 है तो 1 का मान 8 हो जाएगा, इसके बाद 21 का मान आपका हो जाएगा 168। इसका राइट आंसर हो जाएगा 168। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सार्थक 14 दिनों में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है। सार्थक जो है वो 14 दिन में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है। उसके आगे बोल रहा है कि जबकि विवान जो है इसे भरने में टोटल 35 दिन का टाइम लेता है। अली इसे 12 दिनों में एक भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी खाली कर सकता है। अली जो है वो 12 दिनों में क्या कर सकता है फ्रेंड्स, खाली कर सकता है। इसे भी भर सकते हैं, अली जो है वो खाली करेगा। अगर इन सब का एलसीएम हम लेते हैं तो फ्रेंड्स हमको एलसीएम जो है वो मिलेगा कितना, 420। कितना मिलेगा, 420। यहाँ पे आपका 14 तिया 42, यानी कि यहाँ पे 30 आ जाएगा। इसमें डिवाइड करेंगे, क्या करते हैं फ्रेंड्स, 420 को 14 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद 420 को 35 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 12। फिर 420 को 12 से डिवाइड करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको मिलेगा 35। अभी आगे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। तो यहाँ पे अभी भर कितना रहा है एक टाइम में, 30, 10, 40, 2, 42 में से 35 माइनस करोगे, 30, 10, 40, 2, 42 और 42 में से 35 अगर आप माइनस करोगे कितना बचेगा, 7। तो 420 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 6 42 60। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका है मन्नत जो है वो धारा के साथ 7.5 घंटे में एक दूरी तय करता है, जबकि धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में उसे 10-10.5 घंटे लगते हैं। शांत पानी में दो तरफा यात्रा करने के लिए उसे कितने घंटे लगेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मन्नत द्वारा शांत जल में उसी दूरी को तय करने में कैपिटल टी समय लगता है तथा धारा की दिशा में नाव को छोड़ा जाए तो उसे कितना समय लगता है, स्मॉल टी समय लगता है। ठीक, प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है, कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी जो है वो 7.5 7.5 घंटे के बराबर है, कैपिटल टी प्लस टी जो है वो 10.5 घंटे के बराबर है। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा 2 कैपिटल टी बराबर 18 घंटा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, ये जो कैपिटल टी है ये मन्नत द्वारा शांत जल में दूरी को तय करने में समय लगा समय है, और जो स्मॉल टी है ये नाव द्वारा धारा की दिशा में नाव द्वारा तय किया गया जो समय है वो है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सबसे पहले हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे क्योंकि बाकी जो है वो सेकंड में दिया गया है, जो टाइम है वो सेकंड में दिया गया है। तो 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमको इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, तो फ्रेंड्स इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 18 36 54 18, यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स 18.75। आप इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं, तो फ्रेंड्स 67.5 में जब आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 18.75 मीटर प्रति सेकंड। क्या है आपका, यहाँ पे इसको मैं डिलीट करता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है, 18.75 मीटर प्रति सेकंड जो है आपका हो जाएगा चाल, ट्रेन की जो चाल है वो कितना है, 18.75 मीटर प्रति सेकंड। अभी आगे क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि
कि 9 सेकंड में एक खंभा को और 29 सेकंड में एक प्लेटफार्म को पार करती है तो प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है। तो मान लेते हैं प्लेटफार्म की जो लंबाई है वो कितना है यक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा चाल ऊपर हम करते हैं 18.75 मल्टीप्लाई 9, 9 सेकंड में 18.75 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है, कितना दूरी करे तय करेगा इतना, और प्लस जो प्लेटफार्म की दूरी है वो मान लेते हैं यक्स है। इसके बाद चाल है आपका 18.75 और जो टोटल टाइम लेता है वो 29 सेकंड लेता है। तो फ्रेंड्स इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं। अभी देखो इसको हम अलग अलग लिखते हैं, तो जब आप अलग अलग इसको लिखोगे तो यहाँ से 18.75 कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर से 9 बचेगा, प्लस प्लस यक्स अपान 18.75 हो जाएगा बराबर 29 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस 9 को हम उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा फ्रेंड्स, 20 मिलेगा। तो यक्स बराबर हो जाएगा यक्स अपान 18.75 हो जाएगा और इधर आपको क्या मिलेगा, 29 में से 9 गएगा 20। तो यक्स का मान क्या आएगा फ्रेंड्स, यक्स का मान हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 18.75 करोगे तो आपको यक्स का मान मिल जाएगा 375 मीटर जो प्लेटफार्म है उसकी लंबाई हो जाएगी। इसका राइट आंसर होगा 375। आई होप आप सभी को ये क्लास जो है पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।